कुणाल के लिए पूरा घर है बेहद परेशान। वहीं कुणाल के दिल में है नंदिनी को लेकर कई सवाल। एक हादसे से बाल बाल बचे कुणाल को मौली ले आई है सही सलामत अपने घर, जहां सभी घर वाले कुणाल को ठीक पाकर बेहद खुश हैं। लेकिन दीदा का रो रो कर बुरा हाल है। कुणाल दीदा को समझाते हैं कि अब वो ठीक है। चिंता क्यों कर रही है? ये देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एकदम चंगा भला। चंगा भला ही रहना हमेशा। इसी बीच कुणाल की नजरें कई सवालों के साथ नंदिनी की ओर देखती हैं, जहां नंदिनी भी कुणाल के सवालों से बचकर अपनी नजरें झुकाती नजर आई। दूसरी तरफ मौली कुणाल को देखती है, लेकिन कुणाल मौली से नजरें चुराते नजर आए। चलिए अब बात करते हैं कुणाल से और जानते हैं उनकी परेशानी की वजह। ऑब्वियसली बात है, एक्चुअली बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। इसके पहले ब्रिज गिर चुका है और वहाँ पे भी काफी हंगामा हो गया। अनएक्सपेक्टेडली नंदिनी आ जाती है वहाँ पर और कुणाल को हक कर लेती है। सो दैट्स अ वेरी बिग मोमेंट फॉर बोथ ऑफ देम। आग दोनों जगह पर लगी हुई थी और फाइनली दोनों मिल जाते हैं वहाँ पर और प्यार का इजहार विदाउट सेइंग एनी वर्ड्स हो जाता है, ओनली थ्रू आइज। और उसी मोमेंट को ब्रेक करने के लिए मौली भी आ जाती है। सो इट्स अ होल बिग मोमेंट फॉर ऑल थ्री ऑफ अस। और फैमिली डेफिनेटली यहाँ बहुत शैटर्ड है, बिकॉज वंस दे केम टू नो अबाउट इट कि कुणाल ऐसे डेंजर सिचुएशन में था। घर वालों के साथ साथ नंदिनी भी आपके लिए परेशान दिखी और आप भी उनसे बात करने के लिए बेकरार दिखे, क्यों? सही कहा ना हमने? फैमिली बहुत इमोशनल हो रही है यहाँ पे और घड़ी घड़ी कह रही कि मैं क्यों चला गया घर से, क्यों चला गया। ऐसे सिचुएशन में घर से जाना ही नहीं चाहिए था, बट सब बाद में फिर यही कहते हैं कि देर है दुरुस्त है, चलो सब घर पे भी सब कुछ सही सलामत है, सो डोंट वरी अबाउट। एंड इसी बीच में नंदिनी भी की शक्ल में वापस देखता हूँ यहाँ पर, एंड आई एम ट्राइंग टू गेज कि अब मैं उससे कैसे बात करूँ, उससे पूछूँ कि क्यों वो आई थी मेरे पास, क्यों उसने मुझे हक किया, क्यों वो इतनी भाग की भाग कर मेरे पास आ रही थी, क्या रीज़न था। सो वो सब क्वेश्चंस भी कुणाल के मन में चल रहे हैं एट द सेम टाइम, एंड ही इज क्यूरियस एंड ही इज बीन वांटिंग टू टॉक टू नंदिनी। वेल, ये हालात कुणाल और नंदिनी के बीच दूरियां कम करते नजर आए, तो वहीं मौली के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी भी देखने को मिली। सवाल ये है कि क्या कुणाल नंदिनी से साफ साफ शब्दों में अपने प्यार का इजहार करेंगे? मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।